हाउ टू चेंज फेसबुक पेज नेम। तो सबसे पहले तो आप अपना फेसबुक में चले जाएंगे। जाने के बाद थ्री लाइन पे क्लिक करना है, उसके बाद आपका पेज जो है उस पर जाना है। अब जाने के बाद आप देख सकते हैं आपका पेज, इसका जो है नेम को जो चेंज करना है। तो उसके बाद ऊपर की तरफ एक ऑप्शन मिलता है मोर, उस पर क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद एडिट पेज पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद पेज इन्फो में क्लिक करना है, आप नाम पे क्लिक करना है। अब उस पर क्लिक करने के बाद आपके पास ये पेज जो है शो कर रहा है। तो यही जो है प्रॉब्लम कि आपका पेज का जो नाम है वो चेंज नहीं हो पा रहा है। तो अब एडिट पेज इन्फो में जाएंगे नीचे, यहाँ जाके भी आपका कुछ फ़ायदा नहीं होगा, मतलब आपका पेज का जो नाम है वो चेंज नहीं होने वाला। तो उसके लिए आपको जाना है, सबसे पहले तो अपना फेसबुक ऐप को क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद आपको क्रोम ब्राउज़र में चले जाना है। क्रोम ब्राउज़र में जाने के बाद आपका फेसबुक आईडी को लॉगिन कर लेना है। तो अपना जो फेसबुक पेज है उस पर आपको जाना पड़ेगा। इसको जाने के लिए आपको थ्री लाइन पे क्लिक करना है। अब नीचे आपका पेज जो है शो करेगा, उस पर क्लिक करना है। अब क्लिक करने के बाद आपका जो पेज है वो ओपन हो चुका है क्रोम ब्राउजर में। तो आपका पेज का जो नाम है ये चेंज करने के लिए आपको नीचे एक ऑप्शन मिलता है मोर का, तो आपको मोर पे क्लिक करना है। उसके बाद एडिट पेज, एडिट पेज करके एक ऑप्शन है, उस पर क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद पेज इन्फो करके एक ऑप्शन आ जाएंगे, तो आपको ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपका जो नाम है उसके ऊपर एक बार टैप करना है। टैप करने के बाद जो है आप यहाँ से अपना जो पेज का नाम है उसे चेंज कर पाएंगे। तो यहाँ से मैं चेंज करके दिखाता हूँ। नाम चेंज करने के बाद आपको कंटिन्यू पे एक बार क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको और एक पेज शो करेंगे, तो रिक्वेस्ट चेंज पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद वी आर रिव्यू योर नेम चेंज रिक्वेस्ट, तो आपको ये पेज जो है शो करेंगे, मतलब 3 दिन लगेंगे आपका पूरी तरीके से आपका नाम को चेंज होने में। तो आपको जो है ओके पर टैप करना है। टैप करने के बाद आपका जो पेज का नाम है वो चेंज हो गया, देख सकते हैं आपका पेज वैसे के वैसे ही है, बस नाम चेंज हो गया। तो आपको जो है क्लोज करना है ऐप को। तो क्लोज करने के बाद आपका जो मेन फेसबुक ऐप है उसे ओपन करना है। अब उसके बाद आपको थ्री लाइन पर क्लिक करने के बाद आपका जो पेज है उसका नाम देखे आप चेंज नहीं हुआ है, तो उसके लिए क्या करना है, होम पेज पे आना है। आने के बाद 2-3 बार ऐसे रिफ्रेश कर लेना है। रिफ्रेश करने के बाद फिर से अपना पेज पे जाएंगे, तो देख सकते हैं नाम जो है चेंज हो चुका है। तो देख सकते हैं नाम जो है एकदम चेंज हो गया। तो ऐसे ही चेंज करते हैं। अगर वीडियो देख के आपको कुछ समझ आया तो एक लाइक कर देना, और सब्सक्राइब अगर मन चाहे तो कर देना।